मकराना से राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत शाखा मकराना की ओर से शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम शाखा अध्यक्ष पंकज चौधरी के नेतृत्व में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन दिया गया। जिला प्रवक्ता अब्दुल रहूफ ने बताया कि सरकार के गठन के 2.5 साल बाद भी शिक्षकों की वाजिब मांगों का समाधान नहीं किया गया। संगठन में 14 जून 2021 को ज्ञापन भेजकर संगठन से वार्ता कर शिक्षकों की 16 सूत्री मांगों का निस्तारण करवाने की मांग की थी, लेकिन शिक्षकों की मांगों का समाधान नहीं होने से शिक्षकों में रोष है। संगठन ने आंदोलन के प्रथम चरण में सरकार को आंदोलन का नोटिस दिया था। संगठन के दूसरे चरण में 3 जुलाई से 5 जुलाई तक ट्विटर अभियान चलाकर सरकार का ध्यान शिक्षकों की मांगों की ओर आकर्षित किया, लेकिन मांगों का समाधान नहीं किया गया तो संगठन द्वारा आंदोलनात्मक कदम उठाए जाएंगे, जिसके तहत 9 जुलाई को CBEO व SDM के माध्यम से आंदोलन का नोटिस दिया जाएगा। 10 से 18 जुलाई तक सभी विधायकों को ज्ञापन दिया जाएगा। 15 जुलाई को विद्यालय स्तर पर भोजनावकाश समय में प्रदर्शन कर संक्षिप्त विरोध सभा तथा प्रदर्शन का आयोजन किया जाएगा। 26 जुलाई को ब्लॉक मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन होगा। 3 अगस्त को जिला मुख्यालय पर धरना एवं विशाल विरोध प्रदर्शनों का आयोजन किया जाएगा। यदि सरकार ने फिर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया और मांगों का निराकरण किया तो पूरे राज्य में सरकार के खिलाफ जन जागरण अभियान चलाकर राज्य स्तर पर आंदोलन को और तीव्र तथा व्यापक किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। इस मौके पर प्रांतीय कार्यकारिणी सदस्य चेतन राजपुरोहित, सर्व शिक्षा के RP पीएफ राम कुमावत रामाकवर व मुकेश कुमार बाकौलिया, जिला प्रवक्ता अब्दुल रऊफ, जिला प्रतिनिधि मगन राम, शाखा सचिव अर्जुन राम गांधी, रामदेव पारी, कैलाश चंद जागीर, अब्दुल रहमान, दौलाराम गोदारा, गंगाराम, शिवराज मीणा, रविंद्र मीणा, देवाराम, नुरारी लाल जागीर, राम प्रकाश शर्मा, मुरली मनोहर मैक, भवर लाल देवाराम, आजाद सिंह मीणा, महेंद्र कुमार सेन, मनोज कुमार, इम्तियाज अली, अर्जुन राम बागड़ी, प्रहलाद परिहार सहित अनेक शिक्षक उपस्थित थे। जिंदाबाद।